वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत प्यारे होंगे गाइस। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके। और किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप वाइट नेल पॉलिश अपने पैरों पर अप्लाई करो। तो किसी ने क्या मुझसे, बहुत से लोगों ने वाइट नेल पेंट के लिए बोला था। तो गाइज़ आज मैं लेके आ गई हूँ उनका रिक्वेस्टेड वीडियो, जिन लोगों ने भी मुझसे वाइट नेल पेंट के लिए बोला था। तो गाइज़ ये है एक रिक्वेस्टेड वीडियो, तो आप लोग देख लीजिए कि ये वाइट नेल पेंट जो है वो मेरे पैरों पे कैसा लगता है। वैसे तो अच्छा ही लग रहा है, बट मैं आपको बता दूं, मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है अपने पैरों पे वाइट नेल पेंट। मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, आप लोगों के कहने पे और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये नेल पेंट जो है अपने पैरों पे, अपने नेल्स पे लगाया है। और वैसे मैंने वाइट नेल पेंट जो है अभी तक मैंने अपने हाथों में भी अप्लाई नहीं किया था गाइस। तो ये कैसा लग रहा है डियर, आप लोग बताइएगा। और गाइस बैक में साउंड आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, कुछ वर्क चल रहा है। गाइस ये कैसा लग रहा है नेल पेंट आप बताइएगा। तो गाइस इस पे मैंने सोचा था कि मैं इस पे जो मेरा टोरिंग है बड़ा वाला, तो मैंने सोचा कि वो इस पे अप्लाई करूँ तो कैसा लगेगा। तो चलिए ये देख लेते हैं कि मेरे वाइट नेल जो लगा हुआ है और इन टोस पे वो टो रिंग कैसे लगते हैं। तो गाइस चलिए ये देख लेते हैं। तो ये है मेरे टो रिंग्स। और किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप ब्राइडल बिछुए भी ट्राई करो। तो गाइस वो भी वीडियो मेरा जल्दी आएगा ब्राइडल बिछुए का, तो मैं अभी इसको अप्लाई करती हूँ। ये जो मेरे फेवरेट है मेरा टोरिंग, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला था कि मैम आप वो टोरिंग भी अप्लाई करो। तो गाइस ये देखिए आज मैं बहुत दिनों बाद इसको अप्लाई करने जा रही हूँ। सॉरी गाइस, प्लीज़ गाइस आप लोग मेरे सारे वीडियो चेक करा करिए डियर, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मस्ट है डियर। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे सारे वीडियो चेक किया करिए, मैं सब पे बहुत मेहनत करती हूँ डियर। तो ये देखिए ये मैंने अप्लाई कर लिया है अपना टोरिंग, और ये सच्ची में ये बहुत अच्छा लगता है। और ये बताइएगा आपके ये जो वाइट टोज हैं नेल्स पे, ये कैसा लग रहा है गाइस। वाइट नेल पेंट मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया गाइस। और मैंने सोचा था कि मैं ये बिछुए जो हैं, जो मैंने न्यू बिछुए हैं मेरे, मैं सोच रही थी इनको ट्राई करूँ तो देखूँ कि ये कैसे लगते हैं। तो गाइस आप बताइएगा ये कैसे लगेंगे इस पर। मुझे नहीं लग रहा है कि ये वाइट के साथ अच्छे लगेंगे, बट गाइस मैं ट्राई करती हूँ। तो गाइस ये इस पर नहीं अच्छे लगेंगे क्योंकि ये वाइट है, नेल पेंट है। और ये जो है ये लाइट कलर पे हैं फ्रेंड्स, तो ये इस पर नहीं सूट करेगा। तो वो मैं जब डार्क कलर का पेंट लगाऊंगी, फिर मैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है ब्राइडल बिछुए की, तो मैं उसको भी लेके आऊंगी और शेयर करूंगी आप लोगों से।
और ये जो नेल पेंट है मुझे अच्छा लगा, और ये एक नेल पेंट जो है अभी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। गैस ये है वो वाइट नेल पेंट जो मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है, ये है, और ये मैट फिनिश पे है गैस, तो ये शाइन पे नहीं है, ये मैट फिनिश है। तो अब आप देख लो, ये बिल्कुल ही मैट है और इसमें मुझे नहीं लग रहा कि शाइन आ रहा होगा। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, सॉरी गाइस, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पेंट जो है, नेल पेंट जो है मेरा, थोड़ा सा अकवर्ड सा लग रहा है मुझे, बट आप लोग देखिएगा गाइस। सॉरी, वाइट है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है डियर, तो बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो गाइस ये कैसा लगा आपको मेरा ये वाइट नेल पेंट, और जो कि ये है, और ये मेरा न्यू वाइट पेंट नेल पेंट है, और मैं इससे पहले कभी अप्लाई नहीं किया डियर, तो ये मेरे पास था भी नहीं, अवेलेबल नहीं था, इसलिए ये वीडियो लाने में मुझे इतना लेट हो गया, और आप लोग समझ सकते हो गाइस। आप लोग जो रिक्वेस्ट करते हो, जो मेरे पास नहीं होता है, मैं उसको अरेंज करती हूँ, और अरेंज करती हूँ उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ता है, शॉपिंग करनी पड़ती है, और मैं सोचती हूँ कि किस किस चीज़ पे मुझे रिक्वेस्ट आया है, तो जो मुझे पूरी करनी है, जो मुझे लगता है कि मैं पूरी कर सकती हूँ गाइस, तो मैं मार्केट जाती हूँ और फिर मैं उसको परचेज़ करती हूँ, फिर मैं आप तक वो वीडियो पहुँचाती हूँ गाइस। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को सपोर्ट किया करिए, आप लोग का प्यारा प्यारा सपोर्ट बहुत ही हेल्पफुल रहता है, बहुत ही, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों के इतने ढेर सारे प्यार के लिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। तो इसको कैंसिल करती हूँ मैं, ये अभी नहीं पहनूंगी, और मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि मैंने लगाया है ये नेल पेंट। ओके, मैंने ये नेल पेंट लगाया था गाइस, तो मैं बिछुए का फिर बाद में फिर वीडियो दूंगी, फिर उसका जो ब्राइडल बिछिए होते हैं उनका मैं बाद में दूंगी रिव्यू। और इसके साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं अप्लाई करूँ अपनी ये रेड हील, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि वाइट नेल्स पे और ये कैसी लगती है मेरी रेड हील। तो आप देख रहे हो कि जो ये रेड हील है, मैंने जब मैं वीडियो बनाती हूँ तब मैं इससे वेयर करती हूँ, अभी तक मैं इन्हें बाहर पहन के नहीं गई हूँ गाइस। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि ये कैसी लगती है वाइट नेल पेंट पे। तो गाइस ये देखिए कैसी लग रही है वाइट पे, और मुझे लगता है कि मैं इस पे ना टोरिंग जो है अपना रिमूव करूं, क्योंकि ये जो है वो इस पे जो है ठीक से शो नहीं हो रहा है। तो ये मैं रिमूव कर देती हूँ, ये इस पर कुछ मैच नहीं कर रहा है सैंडल पे, बाकी तो ये बहुत ही प्यारा लगता है गैस। तो गैस बैक से साउंड आ रही है, जो प्लीज़ वर्क चल रहा है, तो प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा। तो चलिए अब मैं इसको ट्राई करती हूँ।
आप ये थोड़ा मुझे भी कंफर्ट लग रहा है, वरना यहाँ पे ना मुझे भी गड़ रहा था मेरा टोरिंग जो है। तो गाइस ये देखिए, और मुझे लग रहा है कि इस पे वाइट भी बहुत प्यारा लग रहा है रेड पे, तो मुझे लग रहा है कि इस पे थोड़े से, ये रेड हील है तो इस पे थोड़े से ब्राइट कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं। और किसी ने मुझसे बोला है कि आप इस पे रेड कलर भी अप्लाई करो रेड हील पे, तो गाइस मैं उसका भी वीडियो डालूंगी, डोंट वरी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सब लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। वैसे तो मैट फिनिश कलर जो वाइट में होता है बहुत बहुत मुश्किल से वो अप्लाई होता है और सही नहीं रहता है, बट इसको भी मैंने देखिए बहुत ही क्लियरली अप्लाई किया हुआ है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आउटर साइड पे गया है ये। तो गाइस आई एम सॉरी, मैंने फुल्ली कोशिश की है कि इसको अच्छे से अप्लाई करूँ, बट वाइट कलर है बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है इस वजह से। चलिए मैं वॉक करके भी दिखा देती हूँ। ये था मेरा रेड हील, और चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको, इस पे भी वॉक करके दिखाती हूँ मैं आपको।
तो गाइस ये था मेरा रेड हील के साथ वाइट नेल पेंट। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। तो गाइस अपने कमेंट ज़रूर से ज़रूर मेंशन किया करिए गाइस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइस अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा जुकाम है गाइस। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, उससे मेरे सारे आने वाले नए वीडियो आप तक फटाफट पहुंच जाएंगे। और प्लीज़ आप सब लोग अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रहिएगा गाइस। सो स्वीट ऑफ यू। इसका ये जो स्ट्रिप है ये थोड़ा सा टाइट लगता है मुझे, ये थोड़ा सा टाइट लगता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेरी फेवरेट, बहुत ही प्यारी, बहुत ही लाइट वेट। इसका हील भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो गाइस ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ गाइस ज़रूर बताइएगा। और इसमें देखिए निशान जो है ये पड़ गए हैं थोड़े से, ये हालांकि अपने से चले जाते हैं, अपने से ही गायब हो जाते हैं। जब मैं सैंडल पहनने के बाद जब इसको इस तरीके से हल्का सा मसाज देती हूँ तो मुझे बहुत आराम मिलता है, मेरे पैरों को भी बहुत आराम मिलता है गाइस सच्ची। और मैं इस तरीके से इसको इस तरीके से प्रेस करती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से मैं हल्की सी मसाज देती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पैरों को बहुत आराम मिल रहा है गाइस। इस तरह मैं इसलिए करती हूँ। और कहीं कहीं ऐसे आप पॉइंट पे इस तरीके से प्रेस करिए तो बहुत ही रिलैक्स मिलता है गाइस। तो वही चीज़ है। और खासकर इस तरह जब मैं करती हूँ ना तो मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है, ऐसे जब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। इधर से इन उंगलियों से इधर से नीचे भी प्रेस करती, ऐसे भी प्रेस करती हूँ इस साइड और इस साइड भी, तो दोनों साइड ऐसे जब प्रेस करती हूँ तो ये काफ़ी मुझे रिलैक्स मिलता है गाइस। तो गाइस आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ अपने कमेंट मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, और अपनी रिक्वेस्ट भी मेंशन ज़रूर किया करिए। ओके गाइस, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो कौन सा होगा वो मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन कुछ हाँ रिक्वेस्टेड में ही शायद हो क्योंकि कई लोगों की रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं, तो शायद मैंने जैसा कि अभी आपको बताया तो हो सकता है कि मैं वो वीडियो लेके आऊँ, या फिर मेरी हील का भी वीडियो हो सकता है, मेरी न्यू फुटवेयर का भी वीडियो हो सकता है वो। गाइस इस तरीके से तो बहुत रिलैक्स मिलता है। और गाइस वाइट नेल पेंट कैसा लगा आपको मेरे नेल्स पे, मेरे लेग्स पे, मेरे सॉरी गाइस मेरे नेल्स पे वाइट नेल पेंट कैसा लगा आपको गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें ये देख लीजिए मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को दिखाने की। तो गाइस अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में गाइस। प्लीज़ मेरा ख्याल रखिएगा डियर। Love you all my friends, so sweet of you dear, love you, bye bye.